नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज। मैलादेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में बंदूक की नोक पर लूटमार। तफसीलात के मुताबिक मैलादेवपल्ली के इलाके में मोहसिन नामी नौजवान को बंदूक दिखाकर उसके पास मौजूद पैसे लूट लिए गए। जब ये नौजवान देने से इनकार कर रहा था तो इस पर चाकू से वार किया गया। शहर हैदराबाद का माहौल तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। आए दिन कत्ल, इकदाम कत्ल जैसी वारदातों के अलावा आवाम को लूटने और ठगने का सिलसिला भी जारी है। मुतासर नौजवान ने बताया कि तीन अफराद बाइक पर सवार आए और इस नौजवान को रोककर बंदूक से डरा धमका कर इसके पास की सारा दिन की मेहनत की कमाई लेकर राह फरार हो गए। मुतासर ने बात करते हुए तमाम तफसील बताई, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मजीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए एनडी टुडे न्यूज से और कमेंट जरूर करें। दरअसल मैं गाड़ी पैसेंजर को छोड़ के ऑफिस जा रहा था। जाने के बाद हाथ बता के रोका, पैसेंजर देना से रोका। कितने बजे? 9:20। 9:20 किधर जा रहे थे तुम? इधर मैं घर जा रहा था। किधर है तुम्हारा घर? साईं नगर में मेरा घर। इधर किधर से आ रहे थे? मैं ये बुजुर्ग स्टेशन में ड्रॉप सुनाई सवारी। कितने पैसे थे तुम्हारे पास? 3,200 रुपए थे। उन लोग कितने देने थे? 3 देने थे। कैसा है? बाइक पे थे। क्या बोले तुम्हारा? कहा आगे पहले गन बताया कितने पैसे दे हो गाली दिए दे क्या गए तेरे पास बोल के बोले गन पकड़ लिया तो जल्दी से मारे लोग जाके क्या मारे फिर भागने का पीछे से मारे चाकू से मारे चाकू से बड़े चाकू का था अकेले था। और ये क्या पूछ रहे थे? कौन से थे तुम्हारे? हैदराबाद के बचाने पर। तुम लोग अकेले? हाँ।